ओके, जय हिंद दोस्तों। नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, वेव मोशन। ठीक, वेव मोशन के अंदर बहुत डिस्कशन होगा, जैसे कि हम स्टेशनरी वेव की भी बात करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे, प्रोग्रेसिव वेव की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करेंगे, स्टैंडिंग वेव की बात करेंगे, मतलब स्टेशनरी वेव की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि वेव को क्लासिफाई कैसे करते हैं। वंस वी नो द क्लासिफिकेशन, हमें आगे बढ़ने में मदद होगी, हम एक एक बिट फिर इजीली डिस्कस कर सकते हैं। हमने अभी तक, मतलब हमारे पूरे एकेडमिक्स में, दो प्रकार के वेव तो सुने ही होंगे, वन ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी कौन सी वेव होती है? एक ट्रांसवर्स और दूसरी दूसरी कौन सी होती है बच्चों? एक ट्रांसवर्स वेव हुआ करती थी, दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव का नाम सुना है क्या? लॉन्गिट्यूडिनल वेव का नाम तुम लोगों ने सुना है क्या? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, स्टैंडिंग वेव का नाम कभी सुना है? स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव? नहीं सर, नहीं सर, प्रोग्रेसिव वेव का नाम सुना है? वो अभी सुनेंगे हम। ठीक है, सो हम वेव को पहले क्लासिफाई कर लेते हैं। ये क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करेगा चीज़ों को क्लैरिफिकेशन देने में। तो वेव, या सिर्फ वेव का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वेव मोशन से बेटर हम लिखेंगे वेव को हम क्लासिफाई करते हैं दो हिस्सों में। ठीक है, सो ब्रॉड कैटेगरी हम करेंगे और उसको ब्रेक डाउन करते जाएंगे। ठीक है, मैकेनिकल वेव, अगर ब्रॉडली वेव को क्लासिफाई करेंगे तो मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव, इस प्रकार हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। राइट, हमें जो पढ़ना है क्लास 11 में मैकेनिकल वेव पढ़ना है, 12th में जाएंगे तो नॉन मैकेनिकल वेव हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है भाई? मैकेनिकल वेव मतलब जिसको मीडियम की ज़रूरत है, मीडियम रिक्वायर्ड। सभी बताऊंगा सभी चीज़ें क्या है, मीडियम क्या होता है, वही तो पढ़ना है इस पूरे टॉपिक के अंदर। मैकेनिकल वेव मतलब जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव, साउंड वेव इज़ मैकेनिकल वेव। हवा के थ्रू पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो साउंड ट्रैवल करेगा। वैक्यूम के अंदर हमने 10th में एक्सपेरिमेंट किया था, वो बेल जार एक्सपेरिमेंट, किसी को याद हो तो। वो जार के अंदर हवा है तो बेल का आवाज़ आ रहा था, जार के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दो मतलब हवा पूरी निकाल दो तो बेल का आवाज़ नहीं आ रहा था। तो साउंड वेव इज़ अ मैकेनिकल वेव, मतलब उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ी। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब उसका कॉन्ट्रास्ट में होगा, मीडियम डू नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, मीडियम डू नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो सन से हमारे अर्थ की तरफ जो एनर्जी आती है, हीट ट्रांसफर में हमने देखा था ना, रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? एक प्रकार की वेव है। वेव क्या कैरी करेगी? वेव मतलब एक गाड़ी, मान लो गाड़ी क्या लेके आएगी? सामान लेके आएगी कुछ, तो हमारी गाड़ी मतलब वेव है। वेव क्या लेके आएगी? एनर्जी लेके आएगी। ठीक है, साउंड एनर्जी है ना, हीट जैसे एनर्जी है वैसे साउंड भी एनर्जी है। राइट, ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं फिर पीछे आते जाएंगे हम। मैकेनिकल वेव को हमने क्लासिफाई किया, नॉन मैकेनिकल वेव को कुछ क्लासिफिकेशन नहीं होता है, वो बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। एग्जाम्पल हम बाद में लिखेंगे, हम क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैकेनिकल वेव को भी तरह तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, इसको भी हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इसे। क्या ये जगह सफिशेंट होगी? मैं थोड़ा एरो और बढ़ा देता हूँ, जगह सफिशेंट नहीं है तो। ओके, सो मैकेनिकल वेव को और दो हिस्सों में क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब वाइब्रेशन का डायरेक्शन से हम वेव को, मैकेनिकल वेव को क्लासिफाई करेंगे। सो बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मीडियम समझते हो ना, हवा एक मीडियम है, दैट इज सॉलिड लिक्विड गैस, दीज आर द मीडियम्स। ठीक है, राइट,
दूसरा क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन एनर्जी ट्रांसफर, बेस्ड ऑन एनर्जी ट्रांसफर, राइट। अभी यहाँ पे इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। ये जो बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम है, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा है या 9th में पढ़ा होगा, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यहाँ तक ठीक रहेगा क्योंकि अकोमोडेट बाकी लोगों को भी तो जगह मिलनी चाहिए ना। यस, और सिमिलरली बेस्ड ऑन एनर्जी ट्रांसफर। ओके, लाइट चली गई, नेटवर्क मैंने स्विच कर दिया है अभी। लाइट बड़ा धोखा दे रही है आजकल। बच्चों स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। माइक पे स्विच नहीं होगा। ओके, अभी आ रही आवाज? जी हाँ, क्लियर आ रही है ना आवाज? नेटवर्क स्विच कर दिया है, बस एक दिक्कत है, बैटरी है 31%। ओके सो ठीक है, नेवरदलेस आज इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, सो वी आर गोइंग स्लोली। हंसते खेलते आज का लेक्चर कट जाएगा। यहाँ पे बात चल रही थी बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, एक क्लासिफाई हमने किया वेव को, वो हमें मिला यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। क्लासिफिकेशन ध्यान से देखना, यहाँ पे दूसरा होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ठीक है। बेस्ड ऑन एनर्जी मतलब एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं हम वेव को, क्योंकि वेव एनर्जी लेकर आती है, ठीक है। तो अगर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्लासिफिकेशन करें, किसका क्लासिफिकेशन? मैकेनिकल वेव का एनर्जी के बेस पे अगर क्लासिफिकेशन करें तो दो क्लासिफिकेशन आएंगे। पहला क्लासिफिकेशन दैट इज, उसको हम कहेंगे स्टैंडिंग वेव, मतलब वेव खड़ी हो जाएगी, जिसको हम स्टेशनरी वेव कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसके। और दूसरा होगा प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर? हमें सब कुछ पढ़ना है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, स्टैंडिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे टॉपिक की, फर्स्ट हम प्रोग्रेसिव वेव जानेंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल होगा, प्रोग्रेसिव वेव मतलब चलती जाएगी, कोई वेव यहाँ से निकली है कंटिन्यूसली आगे चलेगी, ओके इसको कहेंगे हम प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। बहुत ही बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ। अगर सामने दीवार हो, सामने दीवार हो तो यही वेव रिफ्लेक्ट होके पीछे आ जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि ये वेव रुकी हुई है, एक वेव आगे जा रही है एक वेव पीछे जा रही है, तो वो बन जाएगी स्टैंडिंग वेव। वो क्या बन जाएगी? स्टैंडिंग वेव, ठीक है। ज़्यादातर जब हम स्टैंडिंग वेव की बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। आगे चल के हम बताएंगे ट्रांसवर्स वेव, हमें पता है, कुछ एग्जांपल मुझे बताया जाए ट्रांसवर्स वेव का, ये हमें फैमिलियर है ये दोनों चीज़ें। कोई मुझे ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल बताया गया? एग्जांपल इसका, ट्रांसवर्स वेव का कोई एग्जांपल तुम्हें याद हो? साउंड? नहीं, साउंड इज नॉट अ ट्रांसवर्स वेव बेटा। वेव ऑन अ स्ट्रिंग, वेव, कलर दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे, जो गिटार बजाते हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती है। क्यों कैसे ये बताने वाला हूँ मैं जल्दी ही। वेव ऑन ए स्ट्रिंग, ये इसका एग्जाम्पल है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का साउंड वेव, ये एग्जाम्पल है। जो हम बात करते हैं कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है।
कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी वेव लॉन्गिट्यूडनल, कौन सी वेव ट्रांसवर्स, जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है और जो वेव का चलने का डायरेक्शन है, पार्टिकल और वेव दो चीज़ें आ गई यहाँ पे, तो वो डायरेक्शन देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी वेव लॉन्गिट्यूडिनल है, कौन सी वेव ट्रांसवर्स है, ठीक है। ऑलराइट, स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव के आगे चलते चलते हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमने क्लासिफाई कर लिया कि ये इस प्रकार होता है, राइट, ठीक है। इसकी थोड़ी चर्चा कर ले, नॉन मैकेनिकल वेव, इसका कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? लाइट, लाइट आती है ना सन से अर्थ की तरफ, दैट लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रो, इसका जो नेचर होता है नॉन मैकेनिकल वेव का, दूसरा अगर नाम हम देंगे, नॉन मैकेनिकल वेव का अगर हम दूसरा नाम देंगे तो वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, इसका टेंशन नहीं रहे हमें, ये क्लास 12th में हम पढ़ेंगे। क्लास 12th में भी वेव मोशन आएगा जहाँ पे हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट के ड्यूअल नेचर होते हैं, पार्टिकल भी वेव नेचर भी होता है, ठीक है, वो वहाँ पे पढ़ेंगे हम, यहाँ पे अभी फिलहाल तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे, विल स्टडी दिस मैकेनिकल वेव, ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक फंडे जान लेते हैं, हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है अभी। ये हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ, हम आगे जोड़ते जाएंगे इसको, क्या कौन सी वेव है, ठीक है। इसके बेसिक इक्वेशन हम देखेंगे, वेव का इक्वेशन क्या होगा, जैसे SHM की डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने लिखा था, उसी प्रकार से वेव का भी कुछ इक्वेशन होगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम वेव की समझते हैं, हेडिंग यहाँ पे लगाते हैं, इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बाद हम हेडिंग लगाते हैं, सभी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये तो हमने ओवरव्यू दिखाया वेव मोशन के अंदर, ये क्लासिफिकेशन होता है, इसका बेसिक डिटेल्स हम देखते हैं, बेसिक डिटेल्स ऑफ वेव्स, ठीक है। कोई एक एग्जांपल लेते हैं, हम ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वो विजुलाइज करने में बहुत हेल्प करेगा हमें, ठीक है। हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, फिर हम इसका सिमुलेशन या एनिमेशन भी देखेंगे। कंसिडर ए ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव कैसे कंसिडर करोगे ट्रांसवर्स वेव, वो तो पता होना चाहिए। ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जांपल लेते हैं, वेव मोशन ऑफ ए रोप, एक रोप कंसिडर करते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास एक रोप है, यहां से हम क्या बताना चाहते हैं, यहां से हम ये बताना चाहते हैं कि वेव मोशन के अंदर क्या क्या होता है, डिटेल्स कैसे हम कंसिडर करें, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने इस वेव को हाथ में पकड़ा और ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा हूँ, ये रस्सी है ना, रोप है ये, ठीक है, यहाँ से फिक्स्ड है वो, यहाँ से फिक्स्ड मान लेते कि ये रस्सी है, यहाँ से मैंने पकड़ा, इसको ऊपर नीचे मैं घुमा रहा हूँ, ऑसिलेट करवा रहा हूँ, ठीक है, एक पल्स क्रिएट किया मैं। जब ये ऊपर और नीचे मैं घुमाऊँगा इसे, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ, थोड़ी देर बाद क्या, इंस्टेंटली जैसे ही तुम इसे रोटेट ऊपर नीचे ऑसिलेट करवाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से चलने लगेगी वेव, या ये जो रस्सी है इस प्रकार से घूमेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर दो चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है, एक तो वेव क्या कर रही है, वेव क्या कर रही है, और यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल ऑफ ए मीडियम, इन दोनों की हम बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एक्चुअल टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गया, कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे, ठीक है। वेव मतलब, या हम उसको एनर्जी बैक ऑफ माइंड में ट्रीट करेंगे, या मोमेंटम के नाम से हम उसे पुकारेंगे, ठीक है।
फिलहाल एनर्जी ही समझ लो, मोमेंटम को थोड़ी देर के लिए रख दो साइड में। क्या बह रहा है? मैंने जब यहाँ पे एक ऑसिलेशन क्रिएट किया, यहाँ से पकड़ के मैंने ऑसिलेशन क्रिएट किया, तो मैंने देखा कि वेव है ना, वेव आगे चल रही है, दिख रहा है ना, ये आगे जा रही है, देखो भाई, ट्याँ 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 ट्याँ। वेव इज मूविंग फॉरवर्ड। पार्टिकल क्या आगे जा रहा है क्या? पार्टिकल है, पार्टिकल कहाँ है भाई? पार्टिकल दिखाओ, रस्सी के ऊपर कितने पार्टिकल्स होंगे? बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे भाई, कुछ दो चार गिने चुने पार्टिकल दिखा देता हूँ। ये एक पार्टिकल देखो, ठीक है, ये एक पार्टिकल देखो, रस्सी का एक पार्टिकल देखो, ये एक पार्टिकल, मतलब ऐसा समझ लो रस्सी के ऊपर हमने कुछ ऐसी मार्किंग कर दी है, ठीक है, और हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। सिमुलेशन में भी जाएंगे, पहले यहाँ 2D में समझ लो। जब हमें इसे ऑसिलेट कर रहा हूँ ऊपर नीचे, ठीक है, तो मैंने देखा कि ये रस्सी के पार्टिकल है। पहला पार्टिकल देखो, थोड़ा जूम करो सर, ये देखो, यहाँ पे आकर ये पार्टिकल देखो क्या कर रहा है भाई। पार्टिकल मैंने जब ऑसिलेट नहीं किया तब पार्टिकल यहाँ पे था, जब ऑसिलेशन स्टार्ट किया मैंने, मतलब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धक्का दिया, तो यह पार्टिकल अभी कहाँ पे गया? ये पार्टिकल अभी यहाँ पे आ गया, राइट। जब ये पार्टिकल यहाँ पे है, तब उसके आगे वाला उसका दोस्त, वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरे पास भी वेव आए, मैं भी ऊपर उछलूँ नीचे चले जाऊँ, लेकिन अभी तक उसके पास वेव नहीं आई, ठीक है, मतलब या इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अभी हुआ नहीं है, या हो के वो वहाँ पे आया है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये झूम झाम के वापस यहाँ पे आ जाए जब ये पार्टिकल यहाँ पे गया है, ठीक है। इस वाले पार्टिकल की क्या दशा है? वेव को हम घुमा रहे हैं, तब ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा है? जब ये फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये वाला पार्टिकल वो इंस्टेंट पे कहाँ पे है? नीचे आ गया है। सो दिस पार्टिकल इज नाउ हियर, ठीक है, राइट। आगे वाले भाई साहब, उनके दोस्त, उनका रिश्तेदार, ये भाई साहब, ये अभी मीन पोजीशन पे है, मतलब हो सकता है कि ये घूम घाम के आया हो या इसका मोशन होना बाकी हो, तो ये मीन पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। और एक लास्ट देखते हैं, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल फिलहाल कहाँ पे है? यहाँ पे। फिलहाल मतलब किसी गिवन टाइम की बात कर रहा हूँ, देखो एक एक वर्ड के अंदर मीनिंग छुपा हुआ है, सबको डिकोड करेंगे हम, इसलिए तो स्लो चल रहे हैं, ठीक। सर आपकी सभी आवाज कट पार्ट रही है। आवाज कट रही है, ओके, लाइट भी आ गई है, सो मैं इसको स्विच कर देता हूँ नेटवर्क पे। मुझे लगता है अभी ठीक है ना आवाज, फिर भी नेटवर्क आ गया, मैं स्विच कर देता हूँ। है हाँ ओके, सी लास्ट टाइम, कैन यू हियर मी नाउ? सर यस। यस बात यहाँ पे 2D में समझो, 3D में जाते हैं फिर, ठीक है, फिर से एक बार समझो, हो क्या रहा है यहाँ पे भाई? एक फिक्स्ड एंड है यहाँ पे, यहाँ पे फ्री एंड है, दिस इज फ्री एंड, मतलब मैं ऊपर नीचे से ऑसिलेट करवा रहा हूँ इसको, इस एंड को, ठीक है। तब क्या क्रिएट हुआ? तब यहाँ पे वेव क्रिएट हुई, ठीक है, अच्छा, वेव क्रिएट हुई मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है? वेव आगे चल रही है, वेव क्या चल रही है? आगे चल, मतलब जो मैंने एनर्जी क्रिएट की है वो फ्लो हो रही है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और पार्टिकल क्या कर रहे हैं? किसके पार्टिकल भाई? ये मीडियम के पार्टिकल। यहाँ पे मीडियम कौन है? रस्सी। रस्सी कौन सा मीडियम है? सॉलिड मीडियम है। उसके जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल भी झूम उठे। कैसे झूम उठे? वो आगे जा रहे हैं क्या पार्टिकल? नहीं, पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहे हैं। पार्टिकल्स, कोई पार्टिकल ऊपर है, कोई पार्टिकल नीचे, मस्त पार्टी चल रही है उनकी, वेव मोशन के अंदर पार्टिकल की पार्टी हो रही है। पार्टी कैसी हो रही है? इनकी ऊपर नीचे, मतलब इनका डिस्प्लेसमेंट, या ये कहाँ जा रहे हैं? ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है। और वेव कहाँ चल रही है? वेव आगे चल रही है, मतलब यहाँ पे अगर तुम डायरेक्शन देखोगे, यहाँ पे अगर दोनों का डायरेक्शन देखोगे, डायरेक्शन ऑफ वेव इन दिस सिचुएशन, कोई मुझे बताए डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होगा? वाइट कलर,
एक्सिस अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँ बच्चों, कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में वेव जा रहे हैं, प्लस माइनस वेव का। मोशन, ठीक है। हमारे एग्जांपल में वेव मोशन का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, आगे जा रही है ना, पीछे तो नहीं जा रही ना, मेरे हाथ के पीछे तो नहीं जा रही है वेव, ठीक। ये एक बात समझे बच्चे, ओके। दूसरी बात बच्चे समझ गए अभी, मुझे बताओ डायरेक्शन सभी बोलेंगे ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो बता रहा हूँ वो कनेक्ट हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन, पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे किस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है, प्लस माइनस वन, पॉजिटिव पॉजिटिव अलोंग वाई एक्सिस या प्लस माइनस वाई, कोई पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, कोई पार्टिकल नीचे भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन एक दूसरे से कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। सो दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंगल कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री। सो ट्रांसवर्स वेव है ये कौन सी वेव है फिर, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गिटार का भी मोशन देखो, गिटार को हम प्लग करते हैं ऊपर नीचे, वो आगे पीछे दौड़ती है। हम सिमुलेशन की तरफ जाने वाले हैं अभी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, हमने कंसिडर किया यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव, आगे चल के मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बताऊँगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में दोनों डायरेक्शन सेम होते हैं, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, दोनों कौन से, दो कौन, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, हमेशा हम आगे चलेंगे ना, हम वेलोसिटी भी बताएंगे तो हमें बोलना पड़ेगा कि वेव की वेलोसिटी या पार्टिकल की वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वेव का डिस्प्लेसमेंट या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हमने क्लियर किए कि जब वेव मोशन हम बताएंगे तो कौन सा वेव मोशन है, ये मैकेनिकल वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको इनिशियली डिस्प्लेस किया, ये जो वेव फॉर्म हुई है उसको यहाँ देखो एनालिसिस किया हमने। एक है वेव, तो हमने कहा डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है, अलोंग एक्स डायरेक्शन। दूसरा है पार्टिकल, पार्टिकल भी मूव कर रहा है, कहाँ मूव करते दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे। और दूसरी बात, क्या ये पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है क्या, क्या ये पार्टिकल जो है रोक का है, पार्टिकल मीडियम का पार्टिकल, क्या वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, यस और नो। नो सर, नो वो सर, सिर्फ अपने पोजीशन से ऊपर नीचे जा रहा है, अपने पोजीशन से ऊपर नीचे जा रहा है। इट्स मतलब ये पार्टिकल SHM परफॉर्म करेगा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, इतना अंदर अभी नहीं जाएंगे हम, ठीक है। क्योंकि पता तो चल रहा है कि ये उसकी मेन पोजीशन है, ये और ये पोजीशन के बीच में अगर ये ऐसे चलते रहेगा ऊपर नीचे तो ये पार्टिकल SHM परफॉर्म कर सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में हम ऐसी ही वेव कंसिडर करते हैं या ऐसी वेव का डिस्कशन 99% होगा जहाँ पे ये पार्टिकल का मोशन देखा जाएगा तो वो लीनियर SHM होगा। कैसा मोशन होगा इनका, इन पार्टिकल का, लीनियर SHM, मतलब वेव आगे जाएगी पार्टिकल लीनियर SHM करेंगे। तो पार्टिकल इस दो एक्सट्रीम पोजिशन के बीच में उनकी एक मीन पोजिशन होगी तो वो लीनियर SHM करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, हम सिमुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ पे मार्क तो नहीं कर सकता बिकॉज वी आर आउट ऑफ दैट राइटिंग ऐप। राइट हैंड साइड में जो ब्लैक कलर का इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है वो हमने फिक्स्ड एंड रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो रेड कलर का हमने कुछ एक इंस्ट्रूमेंट या कुछ जो टूल पकड़ के रखा है उसको मैं ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो इनकी पार्टी हो रही है देखो अभी, ठीक है। इसको स्टॉप करते हैं, बीच में ये क्या है, ये रस्सी है, ठीक है। दिस इज स्ट्रिंग,
उसके ऊपर कभी बीच में रेड है, फिर ग्रीन डॉट है, रेड डॉट है, ग्रीन डॉट है, तो ये हमें बताने के लिए कि एग्जैक्टली पार्टिकल का मोशन आइडेंटिफाई करना है। तो ठीक है, मैं अभी यहाँ पे ऑसिलेट करता हूँ ऊपर नीचे, चलो ये ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक ऑटोमेटेड सिस्टम लगा दिया जो इस वेव को ऑसिलेट करवा रहा है, इस वेव को क्या कर रहा रहा है, ऑसिलेट करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी एक ग्रीन कलर का कोई भी एक पार्टिकल पकड़ लो, पूरे स्ट्रिंग के अंदर जितने भी ग्रीन कलर के पार्टिकल है ना, कोई भी एक पार्टिकल के ऊपर ध्यान दो, क्या मुझे बताओ वो पार्टिकल लेफ्ट राइट जा रहा है या अप डाउन जा रहा है? अप डाउन से ओके और मुझे बताओ ये जो वेव जा रही है, वेव कहाँ जा रही है, अप डाउन जा रही है, आगे पीछे जा रही है? आगे जा रही है। आगे ठीक है, तो ये वेव आगे भी जा रही है लेकिन आगे फिक्स एंड है, आगे कैसा, एक फिक्स एंड है। ठीक है, एक बात यहाँ से हमने क्लियर कर दी, ठीक है, जो बार बार हम रिपीट कर रहे थे कि यहाँ पे दो चीज़ें तुम लोगों ने ऑब्जर्व की, एक तो वेव मोशन और एक पार्टिकल का मोशन। यहाँ पे हम जैसा देख सकते कि वेव आगे जा रही है, ठीक है, और पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, ये वाला ऑब्जर्व करते हैं पहला कि आगे कोई फिक्स्ड एंड नहीं है, आगे कैसा है, ये जो वेव है आगे वो खिड़की है ना, वेव खिड़की के बाहर चली जा रही है, जो वेव है जो एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है वो खिड़की से बाहर चली जा रही है, रिटर्न आ रही नहीं, रिटर्न नहीं आ रही है वो वेव। तो इस प्रकार की वेव को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव है, एग्री, ठीक है भाई, ट्रांसवर्स वेव है कि वेव आगे जा रही है और पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे टाइप से अगर देखेंगे, दूसरे एंगल से इसे अगर देखेंगे, तो इस वेव को दूसरा नाम क्या देना पड़ेगा, तो वो हम देंगे प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का मीनिंग यहाँ समझ लो, मतलब ये वेव एक बार निकली, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है उसने वेव क्रिएट की, तो वेव कंटिन्यू खिड़की के बाहर बाहर चली जा रही है। सो द वेव विच मूव्स कंटिन्यूसली इन वन डायरेक्शन, वापस नहीं आएगी, विच वेव्स विच मूव्स कंटिन्यूसली इन वन डायरेक्शन, यहाँ पे ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, तो ये वेव मरी है प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे मैं फिक्स्ड एंड कर देता हूँ, ये इस सिचुएशन की बात करेंगे, तो राइट हैंड साइड में हमने पकड़ के रखा है उसे, ठीक है, तो ये वेव उसके राइट में नहीं जा सकती ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट है राइट हैंड साइड में ब्लैक कलर का, उसके राइट हैंड क्लैंप है, उसे क्लैंप कहते हैं एक्चुअली, उस क्लैंप ने क्या किया, वेव को आगे नहीं जाने दिया, तो वेव लेफ्ट हैंड साइड से निकली क्लैंप की तरफ, जब क्लैंप को वो हिट करेगी, क्लैंप से वो रिफ्लेक्ट होके पीछे आएगी, क्लैंप से वो रिफ्लेक्ट होके पीछे आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो वेव क्रिएट हुई है उसको कहते हैं स्टेशनरी वेव। वो बहुत आगे पढ़ेंगे जब सिलेबस 50% हो जाएगा वेव मोशन का, उसके बाद डिस्कशन आएगा स्टेशनरी वेव का। ठीक है, अगर उसको नॉर्मल स्पीड में देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ठीक है, तो एक वेव आगे भी जा रही है रिफ्लेक्ट होके, वही वेव पीछे भी आ रही है, एक वेव आगे भी जा रही है और वही वेव रिफ्लेक्ट होके पीछे भी आ रही है, तो ये ऐसा लगेगा कि ये एक प्रकार की स्टेशनरी वेव है। ठीक है, तो उसका डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे, हमारा पर्पस यही था टू अंडरस्टैंड पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन परपेंडिकुलर है, तो वो वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, वो वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, आगे चलते हैं ट्रांसवर्स वेव की बात की, जहां पे दोनों वेव मोशन और पार्टिकल मोशन क्या थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। ठीक है, साउंड वेव की अगर हम बात करें, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं साउंड वेव का, हम अभी गाना बजाएंगे यहां पे, कंसिडर ए लॉन्जिट्यूडिनल वेव। लॉन्जिट्यूडिनल वेव कैसे कंसिडर करोगे, एग्जाम्पल साउंड वेव, साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसे समझते हैं अभी। यहां पे साउंड वेव को स्पीकर लगा देते एक, ठीक है,
ये कैसा स्पीकर हुआ सर? स्पीकर लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, आवाज़ आ रही है, गाना बज रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली साउंड क्रिएट हुआ यहाँ से वेव फॉर्म में, ठीक है। आगे अगर वैक्यूम है, अगर हम वैक्यूम में हैं तो हमें गाना सुना ही नहीं देगा, क्योंकि ये जो वेव यहाँ से निकलेगी साउंड वेव, मतलब आवाज़ सुनाई देने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। तो मान लो यहाँ पे मीडियम है ना, हम मीडियम दिखा देते हैं यहाँ पे, ये मीडियम है। ठीक है, ये पार्टिकल है मीडियम के, क्या है ये पार्टिकल है, ठीक है, हवा है ना, हवा के कुछ पार्टिकल है, ठीक है। अभी शांत बैठे हैं ये, ठीक है, कोई आवाज़ नहीं, सन्नाटा है, ठीक है, रात के 12 बजे हैं, तो ये पार्टिकल है जो आँखों को दिखते नहीं। तो तुम कहोगे कहाँ है सर, मुझे तो एक भी पार्टिकल नहीं दिख रहा हवा में। अरे नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे ये, ठीक है। किसी ने स्पीकर बजा दिया भाई, किसी ने स्पीकर बजाया, ठीक है, मतलब वहाँ पे एनर्जी क्रिएट हुई और वो एनर्जी अभी आ गई मीडियम में, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो पहले पार्टिकल हैं ये पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, ठीक है, फर्स्ट ये पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, ऑब्वियसली स्पीकर के सामने वो है पहले, वो एनर्जी लेके क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखा गया कि ये वाइब्रेट करके क्या करेंगे, नेबरिंग पार्टिकल को ना कंप्रेस करेंगे, ये जो नेबरिंग पार्टिकल हैं इनको ये कंप्रेस करेंगे। मैं हटा दूँ इसको पहले, ठीक है, सब मान लेते कि और दो चार पार्टिकल्स स्टार्टिंग में इनको एनर्जी मिले, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये कंप्रेस करेंगे, ऑसिलेट करेंगे खुद से, और ये आ गया है, ये पार्टिकल अपने पोजीशन से आ गया है, ठीक है। और उसके पहले जो पार्टिकल्स रहेंगे, उनके जो पहले पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, थोड़े आगे वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक कंप्रेस्ड रीजन क्रिएट हुआ, एक कंप्रेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ, और उसके पहले के अगर पार्टिकल हम देखेंगे, मैं थोड़ा इसको ना आगे दिखा देता हूँ, और मान लेते हैं उसके पहले के पार्टिकल का डिस्टेंस है थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है उसे हम कहते हैं रेयर फैक्शन, ये दो वर्ड्स हमने इस बचपन में सुने हैं, ठीक है, मीनिंग भी हमें पता है अभी। एनर्जी यहाँ पे आएगी, प्लीज पेन शेट बैटरी डिस्चार्ज होगा, ठीक है। सो यहाँ पे एनर्जी आएगी साउंड से, ठीक है, वो मीडियम में आएगी, मीडियम के स्टार्टिंग के पार्टिकल्स होंगे वो कुछ ऑसिलेट करेंगे, ठीक है, ऑसिलेट करेंगे आगे पीछे जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, कि मान लो कि स्पीकर बज रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो जो स्पीकर से वेव निकलेगी या एनर्जी निकलेगी वो एक्स डायरेक्शन में निकलेगी, और पार्टिकल भी एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स, आगे पीछे ऑसिलेट करेगा। जब वो आगे ऑसिलेट करेगा उसके सामने वाले पार्टिकल को वो कंप्रेस करेगा, तो एक बड़ा झुंड जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, जैसा कि मैंने राइट हैंड साइड में दिखाया कि कुछ पार्टिकल नज़दीक नज़दीक आ गए हैं, ठीक है। और उसके पहले के या उसके बाद के पार्टिकल्स हम देखेंगे उनका डिस्टेंस एक दूसरे से बढ़ गया है, तो जैसे जैसे साउंड वेव ट्रैवल करेगी ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन अल्टरनेटली हमें दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की कि डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल आर अलोंग द एक्स डायरेक्शन। साउंड वेव कंटिन्यूअसली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है, और ये जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल अपने मीन पोजिशन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मीन पोजिशन से निगेटिव एक्स डायरेक्शन, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। और ये मीडियम कैसा है, ये इलास्टिक मीडियम है, तभी तो आगे पीछे कर पा रहा है। अगर मीडियम इलास्टिक नहीं होगा तो ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे कभी नहीं आ पाएगा, चाहे वो
ट्रांसवर्स वेव हो चाहे वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो, ठीक है। सो इन द साउंड वेव विच इज अगेन अ मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसी है, मैकेनिकल वेव है। इनमें अंतर क्या है? ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन, अभी पेंसिल चार्ज नहीं है इसलिए मैं बात ही कर रहा हूँ, बस पहला समझ लो फिर मैं चार्ज करके आगे बात लिखूंगा। ये ट्रांसवर्स वेव में हमने देखा डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या मुझे यहाँ पे कोई बता सकता है क्या डायरेक्शन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर है या एक दूसरे से पैरेलल है? पैरेलल है सर, पैरेलल है। तो वही अंतर है लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बीच में, ठीक है। ये तो क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं, अभी तो कुछ नया सीखा ही नहीं हमने, राइट। ये हमने रिफ्रेश किया जो पढ़ा है। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव में मैं स्क्रीन को एक मिनट के लिए फ्रीज कर देता हूँ ताकि मैं पेंसिल को चार्ज कर सकूँ। स्क्रीन तो फ्रीज हुई नहीं, चली गई लगता है, ठीक है। सो ट्रांस, हाँ ठीक है, दैट्स गुड। सो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में बेसिक अंतर यही है कि एक वेव पार्टिकल, वेव और पार्टिकल के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है या परपेंडिकुलर होते हैं, वो वेव होती है ट्रांसवर्स वेव। और वेव जिसके अंदर वेव और पार्टिकल दोनों एक ही दिशा में चलते हैं जैसे कि साउंड वेव, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव का हमने क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है। और दोनों ही किस प्रकार की वेव है? मैकेनिकल वेव है, ठीक है। फिर हम सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि जैसा कि उस सिमुलेशन में हमने देखा, क्या देखा इस सिमुलेशन में, कि अगर जहाँ से तुम ऑसिलेट कर रहे हो दैट इज़ वन एंड, दूसरा एंड जहाँ पे वो क्लैंप लगा हुआ था, अगर क्लैंप लगा है मतलब फिक्स्ड एंड है, तो एक फिक्स्ड एंड रखते हो और एक एंड से तुम उसे ऑसिलेट करते हो तो वेव आगे जाएगी। स्ट्रिंग को मान लो थोड़ी देर के लिए, तो स्ट्रिंग को तुम ऊपर नीचे कर रहे हो तो वो स्ट्रिंग के ऊपर वेव फॉर्म होगी, वो क्लैंप को टकरा के वापस रिटर्न आ जाएगी, दैट विल फॉर्म अ स्टेशनरी वेव, वो आगे चल के देखेंगे। अगर हम स्ट्रिंग को ऑसिलेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में हम क्लैंप नहीं लगाते वैसे ही फ्री उसे छोड़ देते हैं, इसका मतलब है कि वेव कंटिन्यूसली एक ही दिशा में आगे जाएगी, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। तो इस चार प्रकार का जो हमने इसे क्लासिफिकेशन बनाया था, अभी मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ। ये आ गया, देखो स्क्रीन अभी मूव हो रही है क्या? देखो, कैन यू सी द स्क्रीन मूविंग लाइक अ वेव? ठीक है। सो हमने ये क्लासिफिकेशन किया था मैकेनिकल वेव का, वी अंडरस्टूड ट्रांसवर्स वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है, और स्टैंडिंग वेव कैसे देखना है वो भी हमने देखा, और प्रोग्रेसिव वेव कैसे देखना है वो भी हमने सिमुलेशन के थ्रू देखा, ठीक है। मतलब दोनों एंड, एक एंड मूविंग है और दूसरा एंड फिक्स है, तो स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो सकती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करेंगे, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। प्रोग्रेसिव वेव, यहाँ से वेव क्रिएट की और वो कंटिन्यूसली आगे ही बढ़ रही है, यहाँ से जो वेव मैंने ऑसिलेशन करने के बाद जो क्रिएट हुई कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है, नाम में ही प्रोग्रेशन लिखा है ना, मतलब आगे चलने वाली वेव, प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमने की यहाँ पे, ठीक है, बेसिक बातों में हमने ये दो चीज़ें समझ ली, ठीक है। अच्छा, अभी इसके मैथ्स में चलना है ना, ये तो भाषा से चले हम, अभी इसके फिजिक्स की भाषा में हम उतरेंगे, मैथमेटिक्स इसका जानने की कोशिश करते हैं कुछ, ठीक है। ऑल राइट, हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे। अभी एक्सप्रेस करना है हमें कि ये प्रोग्रेसिव वेव है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एक एंड आप ऑसिलेट कर रहे हो, दूसरे एंड पे खिड़की लगी हुई है और वेव जा रही है, नहीं। हम जब एक्सप्रेस करेंगे तो हम किसी इक्वेशन के द्वारा उसे एक्सप्रेस करेंगे, राइट। तो हमने हेडिंग यहाँ पे लगाया, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ वेव हमें लिखना है, ठीक है। किसका इक्वेशन लिखोगे? कुछ क्वांटिटी तो कंसिडर करनी पड़ेगी ना हमें, तो हम पहले कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं, ठीक है। कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव रहे या ट्रांसवर्स वेव रहे, जनरल इक्वेशन दोनों के लिए कॉमन रहेगा, इक्वेशन में कोई अंतर नहीं गिरेगा,
ठीक है. सो जस्ट बाय लुकिंग एट द जनरल इक्वेशन यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश वेदर इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव और अ ट्रांसवर्स वेव. ठीक है. फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम एक एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है. वेव ऑन ए स्ट्रिंग का, वेव ऑन ए स्ट्रिंग. ठीक है. जो रस्सी के ऊपर वेव क्रिएट हुई थी उसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. ठीक है. हम एक ग्राफ के थ्रू उसे समझते हैं. अभी वो स्केच नहीं निकालेंगे हम, अभी क्या निकालेंगे, ग्राफ निकालेंगे. एक्स डायरेक्शन में वेव चलेगी, वाई डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेस होगा. ठीक है. और उसका एक किसी इंस्टेंट पे, ये रस्सी को किसी इंस्टेंट पे हम देखेंगे जब मैं उसे ऑसिलेट कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो ये इस प्रकार दिखेगी. हमने देखा कि स्टॉप करो इसे, मतलब ये मोशन हो रहा है. हमने इसको वीडियो शूटिंग की और हमने रिकॉर्डिंग में देखा, इसको हमने पॉज किया, तो पॉज पोजिशन में अभी ये यहाँ पे है. ठीक है. रिज्यूम कर देंगे तो ये कुछ अलग प्रकार के पार्टिकल का मोशन हमें दिखाई पड़ेगा. तो किसी इंस्टेंट का हम पिक्चर यहाँ पे लिख रहे हैं. ठीक है. कि मान लो कि 2 सेकेंड बाद ये वेव जो चल रही है उसका पिक्चर हमने यहाँ पे लिखा, तो वो कुछ इस प्रकार दिख रही थी. ठीक है. ऑलराइट. तो यहाँ पे वेव चल रही है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में क्या चल रहा है, पार्टिकल चल रहा है. ठीक है. ओके. तो अगर अब मैं डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे इक्वेशन प्लॉट करूँ, यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन प्लॉट करूँ. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट किसका डिस्प्लेसमेंट भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. ठीक है. तो वो किसके ऊपर डिपेंड है मुझे देखना है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अगर मैं वाई से दिखा देता हूँ, डिपेंड्स ऑन, वो किसके ऊपर डिपेंड है, ताकि इक्वेशन बताने के लिए हमें उसकी डिपेंडेंसी पता हो ना. ठीक है. तो मैंने देखा कि मुझे बताओ कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, तो हमने कहा अच्छा वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि एट अ गिवन टाइम पार्टिकल की पोजिशन कहाँ पर है, यहाँ पे है. अगर हम चलते रहे 3 सेकंड बाद देखेंगे तो ये पार्टिकल नीचे भी आ सकता है, करेक्ट. और दूसरे पार्टिकल को देखें, कोई एक पार्टिकल यहाँ पे है, तो इस पार्टिकल को टाइम टी इज इक्वल्स टू 2 सेकंड में, जब ये पार्टिकल यहाँ पे था तो ये वाला पार्टिकल नीचे है. इसका मतलब है कि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए उसकी पोजिशन कहाँ पे है वो बताना ज़रूरी है, और कितने टाइम पे तुम उसका डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हो ये ज़रूरी है. तो जब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे, अभी तो कोई इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ मैं, बस किसके ऊपर डिपेंड करता हूँ, तो जब हम इसको लिखते वील राइट डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एंड एट वॉट टाइम यू आर कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर वो डिपेंड होता है. ठीक है. सो हम कभी भी कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फॉर एनी गिवन वेव कैन बी लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन बी ट्रांसवर्स वेव. सो इट्स बेटर टू विजुअलाइज ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है और वेव आगे चल रही है. सो विजुअलाइजेशन में ये ग्राफ हम बता सकते हैं. एक्चुअली में जब हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव का ग्राफ देखेंगे तो वो भी कुछ इस प्रकार दिखता है, लेकिन हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई पार्टिकल आगे चल रहा है, वेव भी आगे चल रही, तो ग्राफ ऐसा क्यों. इसलिए एट द इनिशियल स्टेज लेट्स ओनली कंसिडर अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वेव की बात कर लेते हैं. बैक ऑफ माइंड में याद रखना दोनों के इक्वेशन सेम होते हैं. मॉरल ऑफ द स्टोरी, लेट्स कंक्लूड दिस टुडेज लेक्चर, लेट्स कंक्लूड दिस हियर, टुमारो वी विल सी द इक्वेशन. हमने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस दिखाए, हमने यहाँ पे वेव ऑन अ स्ट्रिंग बताई, एक्स डायरेक्शन में वेव आगे चलेगी, वाई डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा. ठीक है. तो हमने कहा कि लेट्स से कि वाई डायरेक्शन में जो पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिखा देते हैं वाई डायरेक्शन में. ठीक है. तो अगर पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमें लिखना है, जैसे कि SHM में हमने लिखा था ना कुछ इक्वेशन, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी वगैरह प्लस फाइ, तो SHM में पार्टिकल कैसे डिस्प्लेस करता है वो हमने इस इक्वेशन से देखा था. वैसे ही हमें वेव का इक्वेशन यहाँ पे निकालना है, जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का इक्वेशन हमें निकालना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट किसी इंस्टेंट पे कितना होगा. तो
तो हमने कहा कि ये जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालने के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, वो इक्वेशन वो हमने निकाला। किसी गिवन पोजीशन के ऊपर वो डिपेंड होगा, क्योंकि उसकी पोजीशन, पार्टिकल तो अनेक है यहाँ पे, इसमें से किस पार्टिकल की बात कर रहे हो? हमने कहा इस पार्टिकल की बात कर रहे हो, तो इस पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पे है वो बता। क्या तुम इस पार्टिकल की बात कर रहे हो तो उसका पोजीशन अलग है, मतलब पोजीशन टू पोजीशन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग हो रहा है, और टाइम टू टाइम उसकी पोजीशन भी तो चेंज हो रही है। ये वाई डायरेक्शन में उसकी पोजीशन थी, यहाँ पे उसकी पोजीशन नीचे आ गई, राइट। सो उसका लोकेशन मतलब उसका डिस्टेंस कितना है वो, और उसका पोजीशन वो किसी गिवन टाइम पे ऊपर है या नीचे है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे, वो दिखाना और बताना ज़रूरी है, तभी किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का तुम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो। इसलिए जब कभी हम आगे चल के इक्वेशन निकालेंगे, दैट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन एंड द टाइम, ठीक है। क्या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही बताया जाता है क्या? नहीं, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इक्वेशन, यहाँ पे हम एक नोट लिख लेंगे कल के डिस्कशन में, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के टर्म में हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी के टर्म में हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी भी चेंज हो रही है ना पॉइंट टू पॉइंट। अगर हम साउंड वेव कंसिडर करेंगे तो कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कई जगह पे झुंड बना हुआ है पार्टिकल का, कई जगह पे वो फैले हुए हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर डेंसिटी या प्रेशर के टर्म में हम इक्वेशन निकालेंगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल मीनिंग हमें देगा। तो नॉट ओनली डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वी फाउंड आउट डेंसिटी एंड प्रेशर के टर्म में भी हम यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ वेव एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, फिर डिस्प्लेसमेंट एक बार आ गया तो उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, सभी चीज़ें तो आ ही सकती हैं, राइट। तो एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं हम यहाँ पे, एक पॉइंट और यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है मैं इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी एक और जगह बनाते हैं ऐसे यहाँ पे, ताकि एक लास्ट पॉइंट टुडेज डिस्कशन में यहाँ पे अकोमोडेट कर पाए। ठीक है, सो दिस वाज वन टू थ्री, ठीक है। कंडीशन फॉर वेव मोशन, वेव मोशन पहचान हो गए कैसे, मैथमेटिकली क्या कंडीशन सेटिस्फाई ये करेगा, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखते हैं, डो स्क्वेयर वाई, डो कहेंगे इसको, डी नहीं, डो, पार्शियल डिफरेंशिएशन में डो यूज करते हैं, आएंगे उसके ऊपर क्या होता है वो। डो स्क्वेयर वाई अपॉन डो टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू के इंटू डो स्क्वेयर वाई अपॉन डो एक्स स्क्वेयर, ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वो वेव मोशन कहलाएगा। SSM से थोड़ा लिंक करो तो SSM में अगर ये कंडीशन कोई सेटिस्फाई कर लेता है तो हम कहते हैं कि वो SSM परफॉर्म करेगा। वैसे ही वेव में ये कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली, जिसको हम कल एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि के ये वेव मोशन का कांस्टेंट है, ठीक है। स्प्रिंग होती तो स्प्रिंग का कांस्टेंट होता था, वैसे के इस टॉपिक के लिए क्या डिनोट करेगा, वेव मोशन का कांस्टेंट। तो हमारे पास लिमिटेड लेटर्स है ना, सो टॉपिक टू टॉपिक हम सेम लेटर डिफरेंट कांस्टेंट के लिए यूज़ करेंगे, तो इस टॉपिक में वेव मोशन का जो कांस्टेंट होगा वो के से हम डिनोट करेंगे। क्या इसकी वैल्यू होगी, इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, और वो जनरली इक्वेशन हमें इस प्रकार से मिलता है। अगर हम इसे सॉल्व करते कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर लीजिए, इस कंडीशन से जब हम देखेंगे हमें इस प्रकार से कुछ इक्वेशन मिलता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, कॉस के टर्म में भी हो सकता है, सो ए इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी माइनस या प्लस माइनस, इन शॉर्ट हम ऐसा लिखेंगे। इस प्रकार के इक्वेशन हमें मिलेंगे, ये होंगे इक्वेशन ऑफ वेव।
वेव मोशन का ये इक्वेशन होगा। फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि माइनस ई क्यू, ये के क्या डिनोट करता है, ये वाई क्या डिनोट करता है, ए क्या डिनोट करता है, दैट वी विल सी इन टुमारोज लेक्चर। कल हम इक्वेशन ऑफ मोशन के एक्चुअल टॉपिक के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। आज तो हमने इंट्रोडक्शन देखा और बेसिक फाउंडेशन इस टॉपिक का हमने कवर कर लिया। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे इक्वेशन ऑफ वेव स्टार्ट करते हुए। थैंक यू सो मच।